हाँ भाई छोटे, कर दिया मेरा सामान पैक? हाँ सब हो गया। सब पैसे? पैसे? काय बात के पैसे? आज तक दिए मैंने पैसे तुझे जो आज दूंगा? इस पूरे एरिया के अंदर है ना किसी साले की हिम्मत नहीं है जो मुझसे पैसे मांग सके। फिर तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझसे पैसे मांगने की? तू ये मत सोचियो, तू छोटा है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठेली के समीत है ना, तुझे भी उठा के फेंक दूंगा। साहब मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती है। भाई मैंने तेरी माँ का ठेका ले रखा है क्या? मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना तेरे पे है ना नाबालिग का केस लगा दूंगा और तुझे और तेरे घर वालों को दोनों को जेल में सड़ा दूंगा जिंदगी भर के लिए, समझ गया? साहब मेरी सुबह से ना बोनी नहीं हुई, आज पैसे दे दो, आज के बाद मैं कभी नहीं मांगूंगा पैसे। रुक जा, अभी कराता हूँ तेरी बोनी। साहब मेरा नुकसान करो, साहब मेरा नुकसान करो, साहब आज के बाद मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा, साहब जाओ, साहब माफ करो। साहब अब के तो छोड़ रहा हूँ मैं तुझे, अगली बार है ना अपनी हद में रहियो, वरना तेरी ठेला वेला सब पलट दूंगा। ये बेबी पहुंच रहा हूँ मैं, बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप रुको ना यार, रुको ना। ओ अबे भिकमंगे, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए, चल तो रोड पे ऐसे रहा जैसे बाप ने रोड खरीद के दे दियो, साइड में नहीं चल सकता तू। अरे भाई मेरी गलती कहाँ है, आप इतनी गाड़ी चला के ला रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती, आपकी गलती है। साले दो कोड़ी के गरीब, मेरी गलती बता रहा, रुक। अरे भाई चाटा क्यों मार रहे हो, गरीब बेसक है, इज्जत हमारी भी है। रुक मैं बताता हूँ तेरी क्या इज्जत है। अरे ओ कैसे आपस में गुत हो गए क्या, प्रशासन नाम की कोई चीज बनाई ना बनाई। हाँ बेटा क्या हो गया बता। अरे सर इन्हें देखने, एक तो मैं गाड़ी ठोक दी, ऊपर से चाटा मार दिया इन्हें। अरे दीवान जी मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी के आगे खुद ही आ गया ये। अरे थम जा, मुझे सब पता है गलती किसकी है और किसकी ना है, वहाँ से खड़ा हो गया ना मैं सब देख रहा था। एक काम करो दोनों थाने चलो, जब पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना अपने आप अगर ठिकाने आ जाएगी, चलो यहाँ से। अरे दीवान जी सुनो तुसी मेरी तो सुन लो दीवान जी मेरी बात तो सुनो, मुझे थाने ले आगे क्या करोगे, जो केस है हिरफा दफा कर लो, बात को बढ़ाने से क्या फायदा है, इतना केस बढ़ा के क्या करोगे, जो लेना देना है यही ले लो। अच्छा चल कोई बात नहीं, एक काम कर 2000 रुपए हैं तेरे पास दे। अरे दीवान जी ये हुई ना तुम्हारी बात, ये पकड़ो, ये लो दीवान जी, ये हुई ना बात। अच्छा दीवान जी राम राम, मिलते रहना। अरे ठीक है राम राम, हाँ मिलते रहिए कोई बात ना। हाँ भाई तुझे दिखना था बीच रोड पे गाड़ी चल रही है, अंधों की तरह चल रहा है, चल हट बगी यहाँ से, दिख मत जाइए आसपास कहीं। केले ले लो केले, सेब ले लो सेब। हाँ भाई ठेली तूने फिर यहाँ पे सेब केले लगा लिए, तुझसे कल मना करी थी ना, फिर तूने कैसे लगाई यहाँ पे, हटाए से चल। सब यहाँ रोड पे लगाऊंगा तो और क्या लगाऊंगा, और मैं तो मेरे केले सेब बिकेंगे भी नहीं। अबे रोड पे तो लगाएगा, पर ये सारे लोग है ना मुझे महीना देते हैं, तूने महीना दिया मुझे, चल ला 1000 रुपए दे चल। साहब सुबह से मैंने बस 100 रुपए कमाए, आपको 1000 रुपए कहाँ से दे दूँ मैं। हटाई से चल, हटा ले वरना ये सेब केले सारे फेंक दूंगा तेरे। साहब ऐसे मत करो साहब, मेरे केले मत फोड़ो साहब। हटाई से चल, हटा, अबे हटा ले इन केले वेले को, तेरी ठेली वेली सब पलट दूंगा। अरे सर ये क्या कर रहे हो, क्यों गरीब बच्चे की ठेली पलट रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो उसे, अरे वो काम कर रहा है उसे करने दो, आप तो परेशान कर रहे हो उसे। अबे तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू क्या इन गरीब लोगों का मसीहा है क्या? अरे साहब मैं मसीहा तो नहीं हूँ, लेकिन देखो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपको ये वर्दी कानून ने पहना रखी है, आप किसी दिन बदतमीजी से बात करोगे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना आपको समझाने का, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अबे तू बताएगा क्या मुझे, तू समझाएगा, तुझे दिख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ? अरे सर अच्छी बात है आप पुलिस में हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी गरीब के संग नाइंसाफी करोगे, रिश्वत मांगोगे उससे, ये तो कहीं का कानून नहीं है ना। अबे ओ सुन मेरी बात, इस पूरे एरिए में ना जो जो ठेली लगाता है सब मुझे महीना देते हैं और इसने मुझे एक पैसा नहीं दिया, जब तक ये पैसे नहीं देगा ना इसकी ठेलियां लग नहीं सकती, और तुझे इतनी दया आ रही है ना तो तू दे दे इसके पैसे। कोई बात नहीं, कितने पैसे देने हैं इसके? 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए 1000 रुपए देने हैं ना, ये लो मैं इसके पैसे देता हूँ। सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, ये कानून ने आपको वर्दी पहनाई है ना, तो ये लोगों की सेवा के लिए पहनाई है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। अबे सुन अपने प्रवचन है ना अपने पास रख, मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, चल निकल यहाँ से। अरे बेटा कोई बात नहीं, आज से तुम अपना काम करो, अगर तुम्हें कोई पुलिस वाला परेशान करता है तो मुझे एक बार कॉल कर देना, ये लो मेरा नंबर, ये लो पकड़ो, इस एरिया को है ना आज से मैं ही देखूंगा इस एरिया में कितना लीगल काम होता है, ठीक है बेटा, चिंता मत करो आप। अरे यार 2-3 घंटे हो गए कोई मुर्गा फंसा ही नहीं, पता नहीं आज कमाई होगी भी नहीं होगी। अरे रोक भाई रोक 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 रोक, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में,
टोपी ओपी लगा के कहीं जेंटलमैन बन के चल रहा है। हेलमेट कहाँ तेरा? साहब थोड़ा जल्दी में था, अर्जेंट है, जरूरी जाना है एक जगह। अरे जल्दी में था तो कोई नियम कानून होता ही नहीं होता? तूने हेलमेट ही लगाया, तेरा कटेगा 5,000 का चालान। चल जल्दी से 5,000 रुपए निकाल। सर 5,000 बहुत ज्यादा है, कुछ ले दे के कर लेते हैं, जरूरी है जाना है हमें अर्जेंट में। अच्छा चल एक काम कर, 200 रुपए निकाल दे। चल हाँ सर 200 आप। चल ठीक है जा, और अगली बार से हेलमेट लगा लियो। यार वैसे अपनी पुलिस की नौकरी सबसे अच्छी है, बैठे बैठे 200-400 रुपए बन जाते हैं, लाइफ एकदम मजे में कट रही है। लो सर ये आपका लेटर आया था। क्या लेटर? चल अच्छा हुआ भाई मेरे प्रमोशन हो गया, एक हफ्ते पहले जो चोरी हुई थी ना उसमें मैंने एक चोर को पकड़वा दिया था। चल इस खुशखबरी को तू ही पढ़ के सुना दे, आज पूरे क्षेत्र में लड्डू बटवाऊंगा। सर इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको हेडक्वार्टर बुलाया गया है और आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन करी है पब्लिक ने। क्या कंप्लेन करी है? कंप्लेन किसने कर दी यार मेरी, दिखाइयो ये किन्ने कंप्लेन कर दी मेरी। सर पता नहीं। चल ठीक है मैं ही जाके बात करता हूँ। सर मैं अरुण, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कम इन, आपको कुछ बोलना है अपनी सफाई में? जो बोलना है बोल सकते हो। हाँ सर मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, किसी ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन करी है और मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर मैंने अपने देश के लिए ना बहुत ही अच्छे काम करे हैं, आज तक मैंने किसी से 1 रुपए की रिश्वत तक नहीं ली। अच्छा तुमने तो बहुत मान काम किया है। अरे सर आप, सॉरी सर उस दिन है ना मैंने आपको पहचाना नहीं सर। सर आप एकदम मेरे सामने आ गए। सर माफ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। अरे माफी तुम क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना तुमसे। तुमने तो देश के लिए इतना नेक काम किया है, गरीबों को बेवजह मारा है, पीटा है, उनसे रिश्वत मांगी है। वाह क्या नेक काम किए तुमने, तुम्हारी तो बहुत तारीफ है इस काम में। अरे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? सर मैं मान रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सर, मुझे माफ कर दो सर। आज के बाद मैं किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा सर। शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा घिनौना काम करते हुए? तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से है ना हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गालियां मिलती हैं। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हम पुलिस वालों की, क्योंकि तुम जैसे कुछ पुलिस वालों ने ना पूरा डिपार्टमेंट को गंदा कर रखा है। पता है तुम्हें बहुत से पुलिस वालों ने देश की जनता की सेवा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है, लेकिन उनके बलिदान को भी लोग याद नहीं रखते क्योंकि विश्वास उड़ चुका है लोगों के अंदर तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से। छी आज मुझे ना नफरत होती है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तुम जैसे रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं। अगर मैं चाहता ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त सस्पेंड करवा देता जिस वक्त तुम उस बच्चे की ठेली पलट रहे थे, उससे रिश्वत मांग रहे थे और तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया, लेकिन मैं तुम्हें है ना सस्पेंड नहीं करवाना चाहता था। अगर मैं तुम्हें सस्पेंड करवा देता तो तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से हाफ सैलरी मिलती और कुछ दिन बाद तुम इस पद के दोबारा योग्य हो जाते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इस पद के काबिल ही रहो, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में है ना तुम जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने अपील करी कि तुम्हें इस पद से बर्खास्त किया जा सके। क्या सर बर्खास्त? सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, सर आप मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हो? सर मैं पूरी जिंदगी क्या करूंगा सर, कोई मुझे जॉब पे भी नहीं रखेगा। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर, आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। देखो अरुण मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप अपने घर जाइए आराम करिए और आपका लेटर है ना आपके घर पहुंच जाएगा, जाइए यहाँ से। सर मुझे एक चांस तो दीजिए अपनी गलती सुधारने का। सर एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, आप तो फिर भी इंसान है, प्लीज सर। नो क्वेश्चन अरुण, यू आर डिसमिस इन दिस पोस्ट एंड दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन टू मी, ओके यू कैन गो नाउ। सर जाने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, लीव माई ऑफिस, गो। अरे छोटे एक दर्जन केले कर दियो यार। अरे साहब आप अभी दे रहा हूँ। कितने पैसे हो गए? अरे साहब आपसे कौन पैसे लेगा। अरे यार बता दे पैसे जितने भी हो गए तेरे, जितनी भी मैंने बेईमानी करी है ना मुझे उसका सबका फल मिल गया है। आज के बाद मैंने कसम खा ली है किसी की बेईमानी नहीं करनी। तू बता मुझे कितने पैसे हो गए तेरे? 40 रुपए हो गए। 40 रुपए? अरे यार मेरे पे 20 ही रुपए हैं, एक काम कर इसमें से है ना आधा दर्जन केला कर दे मुझे। अरे साहब कोई बात नहीं आप ले जाओ, आप मेरे पैसे बाद में दे देना। यार मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैसे है ना मैं तुझे 20 रुपए बाद में दे जाऊंगा। तू बेशक मुझसे छोटा है पर तेरी सोच है ना मुझसे भी ज्यादा अच्छी है भाई। यार हो सके तो मुझे माफ कर दियो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा करा है। क्यों
बादलों की गली चांद हैरान है क्या पता अरमानों के सब इरादे परेशान हैं क्यों। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो? आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे देश के अंदर है ना कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो गरीबों को बेवजह परेशान करते हैं, उनसे रिश्वत मांगते हैं। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप किसी नज़दीकी थाने में उसके जाके कंप्लेंट करें ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है जो पुलिस वालों को गालियां बकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों, ये है ना बहुत गलत होता है। हमें पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों वो हमारे लिए धूप में हमारी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। देखो दोस्तों, अगर एक कोई पुलिस वाला गलत है तो आप सबको है ना गलत ठहरा नहीं सकते। जो गलत है उसको गलत बोल सकते हो, लेकिन जो सही है आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उनका मान सम्मान करो। क्योंकि दोस्तों, मैं भी पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो आप ही को भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप भी उनकी रिस्पेक्ट करें। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।